चलो अब सच बता दो प्यार हमसे करते हो ना। हेलो गाइस, तो आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। गाइस जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कुछ अपन इस तरह का लेयर वीडियो बनाना सीखेंगे जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। बड़ी आसानी से अपना कुछ इसी तरह वीडियो जो कि ऑडियो लिखाएगा अभी, और ऐसे अपने कुछ चेंज भी होंगे। मैं कैसे वीडियो बनाना था इसके बारे में जानकारी दूंगा इस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब चलते करना। फर्स्ट नंबर आपको काइंड मास्टर ओपन करके प्लस का स्क्रीन क्लिक कर लेना है। अदर गाइस आपके पास काइंड मास्टर नहीं है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इस पर क्लिक करते हैं। गाइस 916 का फ्रेम चूज कर रहा है। गाइस नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद क्या करना, यहाँ से आपको कुछ भी बैकग्राउंड पे बना सकते हो इस वीडियो को, और अदर यहाँ से डायरेक्ट में भी बना सकता हूँ। मैं डायरेक्ट में आपको बना के दिखा देता हूँ। अदर गाइस कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं हर एक कमेंट का आपको जवाब देता हूँ जो कि बड़ी आसान ट्रिक के साथ, ठीक ना। तो क्या करेंगे गाइस, अपन इस तरह से कोई भी फोटो सिलेक्ट कर लेंगे जो कि मैं देख सकता हूँ। इस तरह से फोटो आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, 10 से 5 फोटो, ठीक ना। ज़्यादा फोटो नहीं दिखाऊंगा ताकि अपनी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले स्प्लिट पेन एंड जॉइंट पर क्लिक करके क्या करेंगे गाइस, अपन इसको फोटो को जूमिंग कर लेते हैं ताकि अपनी जो फुल स्क्रीन पर आए फोटो देख सकते हो। इस तरह से आपको सभी फोटो को इस तरह से जूमिंग कर लेना। अदर गाइस आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर दीजिए मुझे, और जो भी आपको जैसे कि आपको वीडियो पसंद भी आती है तो गाइस एक लाइक तो बनता है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए कि मैं आपके लिए बहुत मस्त इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो अपन इस तो सभी फोटो को आपको पेन एंड जॉन पे क्लिक करके, और इस तरह से आपको पहले तो आपको इसका फुल स्क्रीन कर लेना है, ठीक ना। तो गाइस अपन इतने फोटो को पेन एंड जॉन पे क्लिक करके इस तरह से अपन जूमिंग कर लेते हैं। अब क्या करेंगे गाइस, इस फोटो को अपन हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा फोटो हुआ है अपने पास, तो इस तरह से आपको कर लेना है। अब क्या करेंगे गाइस, आपको सबसे पहले इस लेयर को ऑप्शन क्लिक करना, मीडिया ऑप्शन क्लिक करना है। मीडिया ऑप्शन क्लिक करने के बाद क्या करना गाइस, एक अपने यहाँ से लगाएंगे जो कि इफेक्ट लगा लेते हैं, इस पर लाइट इफेक्ट, इसके बाद आगे प्रोसेस अपन चालू करेंगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक जरूर कर देना, मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि लाइक से कुछ मोटिवेशन वगैरह मिल जाता है ताकि अपने का वीडियो में भी बनाने में अच्छा लगता है गाइस, ताकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आपको प्लेट स्प्लिट स्क्रीन क्लिक करके इसका फुल स्क्रीन कर देंगे। अब क्या करेंगे गाइस, देख सकते हो अपना कुछ वीडियो अभी इस तरह से आ रहा है, तो आपको नीचे रहें ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर इसका स्क्रीन करना है आपको इस पर जाकर। तो गाइस देख सकते हो अब आपको अपना कुछ वीडियो इस तरह से लग रहा है, और गाइस इसको वीडियो को मिस नहीं करना। इसमें बहुत सी सारी चीज़ कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो कि बड़ी आसानी से आपको अच्छा लगेगा। तो गाइस सबसे पहले क्या कर लेते हैं अपन, इसमें एक कुछ इफेक्ट वगैरह लगा लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना गाइस, इस प्लस के आइकन क्लिक करो। प्लस के आइकन क्लिक करने के बाद आपको एक शिफ्ट VPN VIP लिखा है, इस पर क्लिक करना, और कुछ अपना इस तरह का इफेक्ट अपन इसमें लगाएंगे, ठीक ना। तो अपन को सभी पर क्लिक करना प्लस के आइकन पर, और इस तरह से आपको इफेक्ट लगा लेना। इससे क्या होता है गाइस, आपका बहुत मस्त वीडियो लगेगा प्लेट से स्क्रीन वाले पर। तो मैं इस तरह से आपको सभी फोटो पे लगा के दिखा रहा हूँ जो कि लाइव गाइस, और आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करना मैं ताकि आपको बता सकूँ कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक ना। तो अपना वीडियो इतना कंप्लीट होगा। अब क्या करना गाइस, आपको लेयर पे आना, मीडिया को उसमें क्लिक कर लेना है। मीडिया को उसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इमेज के ऑप्शन क्लिक करना है, यहाँ से कोई सा भी एक बैकग्राउंड चुन लेना, देख सकते हो इस तरह का। अब क्या करते हैं गाइस, आपको सबसे पहले आपको इस क्रॉपिंग ऑप्शन पर जाना, थोड़ा इसको इस तरह से अनेबल कर लेना है, इसको काट लेना है। इसे अनेबल करेंगे, इसके बाद अपन क्रैपचिंग को अपन ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह से इसका रोटेशन बढ़ा देना, रोटेशन बढ़ाने के बाद क्या करेंगे गाइस, राइट का ऑप्शन क्लिक कर लो, देख सकते हो इस तरह से आपका ना अभी कुछ आ रहा है। अब क्या करेंगे गाइस, इस कलर को ऑब्जेक्ट क्लिक करेंगे, और इसको इस तरह से यहाँ से रेड कलर कर लेते हैं। रेड कलर करने के बाद क्या करेंगे गाइस, इसको ओपन कर देते हैं यहाँ तक, देख सकते हो इस तरह से आपको कर देना है यहाँ तक इसका रेड कलर। अब क्या करेंगे गाइस, इस पर क्लिक करेंगे, और इसका थोड़ा कुछ इस तरह से जूमिंग कर लेंगे, देख सकते हो इस तरह जूमिंग कर लेना है, ज़्यादा भी कर सकते हो कम भी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हो। तो मैं इस तरह से इसका जूमिंग कर लेता हूँ। तो क्या करना गाइस, आपको देख लेना है इसका फोटो सही आ रहा कि नहीं आ रहा। तो सबसे पहले क्या करेंगे गाइस, आपको क्या करना है, इस फोटो पर क्लिक करना है, यहाँ पे कैंची के ऑप्शन पर जाना। तो आप इसके बाद क्या करना है गाइस, आपको जो बैकग्राउंड अपन ने लिया था उस पर क्लिक करना, फिर कैंची के ऑप्शन क्लिक करना, स्प्लिट एड प्ले हेड पर क्लिक कर दें। प्लेट पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से इसी पर क्लिक करना, और आपको दूसरे फोटो पर जाना, फिर से कलर एडजस्टमेंट पर जाना गाइस, और यहाँ से आपके मनपसंद दूसरा कलर कर लीजिए। अब क्या करेंगे गाइस, फिर से अपन इस फोटो पर क्लिक करेंगे, लास्ट में जाएंगे, फिर से इस पर बैकग्राउंड क्लिक करेंगे, और कैंची के ऑप्शन पर लेंगे, स्प्लिट एंड प्ले हेड पर क्लिक करेंगे, और आपको इस तरह से आपको सभी में करके अलग अलग कन्वर्ट करके लगाना है। तो अपन देख लेते हैं, आप देख लेते हैं इसमें कलर कौन सा अपना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आपको सभी में कलर कोई सा भी कलर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हो बड़ी आसानी है अपना कितना मस्त है, वो चेंज हो रहा है गाइस। और मैं ये लास्ट और बचा इसका और करके दिखा देता हूँ, फिर मैं आगे आपको प्रोसेस दिखाऊंगा। तो अपन इस तरह से आप सभी को आपको बैकग्राउंड का कर लेना। अदर गाइस आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉमेंट जरूर कर लेना। तो देख सकते हो अपना कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक ना। इतना कर लेते हैं इसको, और थोड़ा बहुत मैचिंग दिखता है, थोड़ा बहुत आपको लगता है कि अच्छा नहीं आ रहा, तो इस तरह से थोड़ा ऊपर नीचे कर लेना, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन ने ये लगा लिया, इस पर ये हो गया।
तो देख सकते हो आप, मैं थोड़ा आपको वीडियो चला के दिखाता हूँ अपना किस तरह से वीडियो लगा, ऐसे अपने कलर चेंज होंगे ठीक ना। तो बड़ी आसानी से मैंने जैसे कि कलर अलग अलग दिखाया था भाई हिसाब से मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। आप क्या करते हैं इस लेयर पे जाते हैं, मीडिया हाउस में क्लिक कर लेते हैं। मीडिया हाउस में क्लिक करने के बाद क्या करना गाइस, अब आपको यहाँ से लेयर सॉन्ग ले लेना है। अदर गाइस आपके पास नहीं है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा ठीक ना। तो इसमें नहीं सॉरी, अपना इस वाले ऑप्शन में हैगा तो वहाँ से मैं लेयर सॉन्ग ले लेता हूँ, ये वाला लेयर सॉन्ग ले लेता हूँ। अदर गाइस आपको जैसे देख सकते हो ठीक ना, अब इस तरह से अपन लेयर सॉन्ग लेते हैं ये वाला आएगा। तो आप क्या करना गाइस, आपको सबसे पहले ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाना है, इसका स्क्रीन कर लेना है। स्क्रीन करने के बाद यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना और इस तरह जूमिंग कर लेना है ठीक ना। जूमिंग करने के बाद राइट ऑप्शन क्लिक करना है। अब क्या करना गाइस, फिर से लेयर पे आना, मीडिया ऑप्शन क्लिक करना है। मीडिया ऑप्शन क्लिक करने के बाद क्या करना गाइस, यहाँ से एक पीएनजी बॉर्डर अपन लगाएंगे ताकि अपना वीडियो और भी मस्त लगने लगे। तो आपको स्प्लिट स्क्रीन क्लिक कर लेना है और यहाँ से स्प्लिट स्क्रीन क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देना है। अब क्या करेंगे, इस बॉर्डर का अपन कर देंगे अपनी वीडियो के बराबर, पूरी जो कि अपनी वीडियो है उसके बराबर इसका पीएनजी इमेज कर देंगे। अब गाइस देख सकते हो अपना वीडियो कुछ कंप्लीट हो गया, तो मैं आपको वीडियो चला के भी दिखाऊंगा गाइस। और अदर आपको लगता है गाइस का अपन को फोटो जल्दी निकालना था, आपको इस फोटो को क्लिक करना और इन फोटो को इस तरह से छोटे कर लेना ताकि आपकी वीडियो तो कुछ फास्ट नहीं निकले। आप इसमें जितने चाहो फोटो ऐड कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं थोड़ा फोटो छोटा करके दिखा देता हूँ, इस तरह से आप फोटो छोटे भी कर सकते हो। तो अब मैं आपको वीडियो चला के दिखा देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो अपन ने जैसे मैंने आपको लहर वीडियो दिखाया था, सेम वीडियो अपना बनकर कंप्लीट हुआ। अदर गाइस आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी बेहतर से बेहतर स्ट्रेशल से रिलेटिव सभी वीडियो लाता रहता हूँ इस चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद।